दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मर्क्यूरी यानी कि बुद्ध अगर आपके कुंडली के सातवें स्थान पे आता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आर चैनल और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए दोस्तों मर्क्यूरी यानी कि बुद्ध आपके कुंडली के सुप प्लानट में से एक प्लानट है बुद्ध रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंट को यानी स्मार्टनेस को कम्युनिकेशन को लॉजिकल माइंड को बुद्ध करता है रिप्रेजेंट। दोस्तों साथ ही बुद्ध रिप्रेजेंट करता है आपके सिबलिंग को आपके शार्प थिंकिंग को आपके सोचने की एबिलिटी को कोई भी काम करने की एबिलिटी को उसमें सही गलत पहचानने की एबिलिटी को मर्क्योरी करता है रिप्रेजेंट साथ ही मर्च्योरी रिप्रेजेंट करता है आपके कोई भी कार्य जब आप करते हैं तो उसमें कितना इंटेलिजेंस है कितना इंटेलिजेंट नहीं है ये सारी चीज़ें हम मर्क्योरी से देखते हैं मर्च्यूरी साथ ही रिप्रजेंट करता है आपके टेक्निकल स्किल को दोस्तों टेक्निकल स्किल कुछ भी हो सकता था दोस्तों कंप्यूटर में या मैन्युफैक्चरिंग में मशीन को ठीक करना या एनी काइंड ऑफ टेक्निकल स्किल जो होती है हम मर्च्यूरी से देखते हैं मर्च्योरी कारक होता है बिजनेस का फाइनेंस का तो मर्क्यूरी से हम देख सकते हैं कि ये बंदे के अंदर कितनी बिजनेस करने की एबिलिटी है किस तरह से वो सोचता है कैसे वो मल्टीपल टास्क कर सकता है मर्क्योरी आपको ये एबिलिटी देता है कि आप कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं और आपके अंदर मल्टीपल चीज़ों करने की एबिलिटी होती है तो ये सारे दोस्तों एस्पेक्ट हम मर्क्यूरी से देखते हैं साथ ही मर्क्योरी रिप्रेजेंट करता है आपके नर्वस सिस्टम को आपके बॉडी में आपके स्किन को मर्क्योरी रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट करता है आपके लीगल पार्टनरशिप को अब दोस्तों लीगल पार्टनरशिप क्या है लीगल पार्टनरशिप आपकी मैरिज होती है लीगल पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो पार्टियों के बीच में होता है तो दोस्तों मैरिज भी उसी तरह का एक लीगल पार्टनरशिप होता है जो ऑफिशियली गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होता है उसी तरह हम जब कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे भी लीगल पार्टनरशिप होती है तो आप बिजनेस के बहुत सारे टाइप होते हैं आप या तो सिंगल प्रोप्राइटरी बिजनेस करते हैं या पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट बिजनेस है यानी कि आप पार्टनरशिप में अच्छा करते हैं या सिंगल एज अ प्रोपर्टी अच्छा करते हैं तो आप सातवें स्थान से देख सकते हैं साथ ही मैरिज भी उसी तरह दोस्तों अगर मैरिज भी आपकी मैरिज आपकी अच्छी है ख़राब है या आपकी मैरिज चलेगी नहीं चलेगी हम सातवें स्थान से देखते हैं और दोस्तों उसी तरह से हम देखते हैं कि हमारा बिज़नेस कितना सक्सेसफुल होगा या हमारा में बिज़नेस करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है हम वो सातवें स्थान से देखते हैं साथ ही दोस्तों लीगल लिटिगेशन कोर्ट केसेस कोर्ट कचहरी ये भी हम सातवें स्थान से देखते हैं हाँ सातवें स्थान से हम देख सकते हैं कि हम मैंने कहा बिज़नेस करेंगे किंग लाइफ में और जब सातवें स्थान पे मर्क्यूरी आता है यानी कि मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है आपके इंटेलिजेंस को आपके लॉजिकल माइंड को शार्प थिंकिंग को और आपकी एबिलिटीज़ को कैपेबिलिटीज़ को साथ ही मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है आपके सेल्फ एफर्ट को तो दोस्तों मर्क्यूरी एक कॉम्बिनेशन है ऐसे पर्सन का जो अपने एफर्ट से पैसे कमाता है और बिजनेस वही चीज़ होती है दोस्तों अगर आपको बिज़नेस करना है तो आपको अपना एफर्ट अपने स्किल दिखाने पड़ते हैं तो जब दोस्तों मर्क्यूरी सातवें स्थान पर आता है और वो अच्छी पोजिशन पर होता है तो दोस्तों ऐसे ज्यादा एक अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं और ये लोग इंडिपेंडेंटली अच्छा बिजनेस करते हैं और बहुत सारे पैसे ये लोग आसानी से बिजनेस के थ्रू अर्न करते हैं और दोस्तों अगर इनकी मर्क्यूरी की पोजीशन अच्छी है साथ ही दूसरे स्थान की और ग्यारहवें स्थान की पोजीशन अच्छी है तो दोस्तों ये लाइफ में आफ्टर मैरिज बहुत पैसे कमाते हैं और इनके लाइफ में ये जब बिज़नेस करना होता है तो ये आफ्टर मैरिज ही सोचते हैं या अचानक में इनके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है कि जब कुछ नहीं होता है आफ्टर मैरिज और तब वो बोलते हैं कि चलो बिज़नेस करते हैं और उस जब वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इनकी लाइफ की जो बिज़नेस होती है वो काफ़ी अप हो जाती है काफ़ी पैसे कमा लेते हैं क्योंकि इनके अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट एक बिज़नेस मैन का स्किल होता है क्योंकि मर्क्यूरी आपका रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को जो बिज़नेस के लिए इंपॉर्टेंट है मर्क्योरी रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस को आइडियाज़ को और साथ में टेक्निकल स्किल को तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें हमें बिजनेस के लिए चाहिए होती जो मर्क्यूरी हमें देता है वहीं दोस्तों आपकी मर्क्यूरी की पोजीशन ख़राब है अच्छी पोजीशन पर नहीं है तो दोस्तों ऐसे ज़्यादा काफ़ी नैरो माइंडेड होते हैं ये भी कोई भी चीज़ करने से डरते हैं इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो अच्छी नहीं होती है तो ये घबराते हैं कोई भी चीज़ करने के इसके लिए वो लोग के लिए बिज़नेस करना एक आप कह सकते हैं डेंजरस वे होता है या आप कह सकते हैं कि एक रॉन्ग बिजनेस रॉन्ग अटैम्प्ट होता है इसीलिए दोस्तों अगर आपकी मर्क्यूटी की पोजिशन अच्छी नहीं है अच्छी पोजिशन पर नहीं है तो आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए क्योंकि आप लोगों आइडियाज़ या थाटफुलनेस या क्विक थिंकिंग जो मर्क्यूट देता है अच्छी पोजीशन पर वो दे नहीं पाओगे और उसकी वजह से आपका बिजनेस में लॉस हो जाएगा दोस्तों सातवां स्थान रिप्रेजेंट करता है मैरिज को और लीगल पार्टनरशिप को एनी काइंड ऑफ लीगल अग्रीमेंट को सातवां स्थान रिप्रेजेंट करता है और मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को और इंटेलिजेंट थिंकिंग को तो दोस्तों जब मर्क्यूरी आपके सातवें स्थान पर आके बैठता है तो ऐसे ज्यादा तक एज अ करियर दे कैन बी अ वेरी गुड मैरिज काउंसलर और एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं जो मैरिज लॉयर होते हैं और दोस्तों ये लोग काफ़ी माहिर होते हैं काउंसलिंग के लिए जैसे कि कोई किसी के मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो वो लोग एक काउंसलर से मिलते हैं जहाँ से बात करते हैं और वो काउंसलर इनको एडवाइस करता है ये करना चाहिए वो करना चाहिए इस तरह की जॉब में ये काफ़ी माहिर होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक स्किल्ड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन करने का वे होता है जिसमें इन्हें पता होता है कि सामने वाले बंदे को क्या प्रॉब्लम है और उसको किस तरह रिजॉल्व किया जाए क्योंकि किसी चीज़ को आप जब रिजॉल्व करते हैं तो आपकी थिंकिंग आपकी शार्प थिंकिंग होनी चाहिए आपके अंदर क्विक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए जो मर्क्योरी के अंदर एक बाय बर्थ कैपेबिलिटी होती है इसके लिए ऐसे जा काफ़ी अच्छा करते हैं एज ए काउंसलर दोस्तों जब मर्क्यूरी सातवें स्थान पर आके बैठता है तो ऐसे जा तक हमेशा जो अपने लाइफ पार्टनर चूज़ करते हैं वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर उन्हीं की तरह उनको कंपिनियन करें यानी कि वो लोग भी कम्युनिकेशन में काफ़ी स्मार्ट हो ये लोग को ऐसे पार्टनर पसंद नहीं होता जो कुछ बोलते नहीं है शांत रहते हैं बिकॉज़ ये लोग काफ़ी टॉकटिव होते हैं और ये चाहते हैं कि जो इनके पार्टनर हो वो उन्हीं की तरह कम्युनिकेटर अच्छा कम्युनिकेटर हो या अच्छे कम्युनिकेटिव हो पहला चीज़ दूसरा और दूसरा चीज़ दोस्तों ये चाहते हैं कि हमेशा जो भी वो बिजनेस करें अपने लाइफ में या कोई पार्टनरशिप करे तो ये पहला प्रेफरेंस अपने पार्टनर को देते हैं चाहते हैं कि उनके लाइफ पार्टनर उनके लाइफ में एज अ मैंटोर या एज अ लीगल पार्टनर काम करें और उनको हर चीज़ में हेल्प करें या उनसे उनका वो हर चीज़ में हेल्प करें इसीलिए ये एक स्ट्रॉग बॉन्डिंग चाहते हैं और जब इनके पार्टनर उन्हीं की तरह होते हैं तो इनकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है अगर उनके पार्टनर उनकी तरह ना होते हैं यानी कि मर्खियों की पोजिशन ख़राब होती है या साथ में सनी होता है तो ऐसे जाता है कि जो पार्टनर होते हैं काफ़ी शांत होते हैं नेचर में और जिसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम होता है ये फिर ये स्पेस ढूंढने लगते हैं क्योंकि उनको अपने प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम पार्टनर से जो एडजस्ट करना होता है वो कर नहीं पाते हैं और इसकी वजह से ये लोग में फिर डिफ्रेंसेस आते हैं तो इसीलिए दोस्तों जब भी आप शादी करें या जिनकी कुंडली में मर्क्योरी सेवन्थ स्थान पर है तो उनको ऐसे पार्टनर से शादी करना चाहिए जो उन्हीं की तरह टॉकेटिव है कम्युनिकेटिव है दोस्तों सातवां स्थान रिप्रेजेंट करता है बिज़नेस को और पार्टनरशिप को तो दोस्तों जब मरक्यू आपके सातवें स्थान पर आके बैठता है तो ऐसे ज़्यादा तक हमेशा प्रेफर करते हैं कि आफ्टर मैरिज जब वो बिज़नेस करते हैं तो वो बिज़नेस उनके पार्टनर के साथ ही करें यानी कि उनके इस्पाउस के साथ करें क्योंकि वो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं दोनों के बीच में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है और ये अपने पार्टनर को टच करते हैं अपने इस्पाउस को टच करते हैं इसीलिए अगर ये कोई बिजनेस विद देयर पाउस करते हैं तो काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि इन लोग का जो कम्युनिकेशन स्किल होता है एक अलग ले, अलग लेवल पर होता है दे ट्रस्ट ईच अदर एंड दे अंडरस्टैंड ईच अदर इसके वजह से इनके जो भी बिजनेस करते हैं ये अपने पार्टनर के साथ करना जरूरी है और उसमें अच्छा करते हैं दोस्तों जब मर्क्यूरी सातवें स्थान पर बैठता है तो उसकी सातवीं दृष्टि पहले स्थान पर पड़ती है और पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके बारे में अबाउट योर सेल्फ अबाउट योर सोल अबाउट एयर माइंड आपकी फ़िज़िकल पर्सनालिटी को और जब मर्क्यूरी आपको दिखता है तो दोस्तों ऐसे ज़्यादा काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं एक अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं इनको अपने आप को रिप्रेजेंट करना आना चाह आता है सोसाइटी के अंदर किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट किया जाए किस तरह से लोगों से बात किया जाए ये स्किल इनके अंदर बचपन से होता है बट दोस्तों साथ ही इनके काफ़ी सारे एडवांटेज होते हैं वही उनके डिसएडवांटेज ये होते हैं कि ये जल्दी स्ट्रेस हो जाते हैं यानी दोस्तों अगर कोई इनकी बात सुनता नहीं है या इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई सहमति देता नहीं है या उनके बात को इग्नोर मारता है तो ये फट से इरेटेड होने लगते हैं दोस्तों इनके अंदर ये प्रॉब्लम होता है ये जल्दी स्ट्रेस आउट होते हैं मेंटली ज़्यादा अपने कह सकते हैं कि आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं और इसकी वजह से कभी कभी इन्हें मेंटली प्रॉब्लम भी झेलना पड़ जाता है था मेरा एनालिसिस मर्क्यूरी इन सेवन्थ हाउस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए धन्यवाद